देखते हैं इस इन कंपाउंड्स के कुछ एलिमेंट के ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन का बता दिया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपको ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट करने, पर कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं पर करूँगा मैं CO2। तो जिस एलिमेंट का कॉन्टेंट ऑक्सीजन नंबर निकालना होता है वहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 × 2, मतलब ये हुआ इक्वल 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 − -2 है, दो ऑप्शन है, तो ये हो गया आपका -4 = 0, एक्स इक्वल हो गया +4। तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। एक और करते हैं Cr2O7 − 2, यहाँ 2x मानते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 × 7, ब्रैकेट क्लोज इक्वल -2, 2x − 14 = −2, 2x = −2 + 14, 2x = +12, x = 12/2, +6, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए PB3O4 में PB का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 3x − 8 = 0, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा। फिर है आपका 3x = +8 और x = हो जाएगा 8/3। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। एक और करते हैं, है ना, CH2Cl2Cl2, इसमें कार्बन का देखना है, तो यहाँ पर हो गया x + 1 × 2 + −1 × 2 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x + 2 − 2 = 0, तो x = होना चाहिए 0, मतलब ये हुआ ऑक्सीजन H+2 हो गया, ये -2 हो गया तो 0 0 होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कार्बन का ऑक्सीजन नंबर 0 भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं PO4−3 की। ठीक है, तो PO4−3 की बात करने से पहले थोड़ा सा इंडिकेट कर दें, ये मान लो स्टार लगा दिया, यहाँ पे एक स्टार लगा दिया, तरीके से करते हैं। ठीक है, और भी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं, तो जो कंपाउंड हम करेंगे तो वो मान पड़ जाएगा। तो अब है PO4, क्या है PO4−3, E का पता करना है, तो x − 8 = −3, तो x = −3, ठीक है, +8, तो x = हो गया +5, मतलब PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकला है। चलिए और देखते हैं, एक और देखते हैं यहाँ पर, तो ये है आपका S2O3−2। तो अब ये कोई वो तो है नहीं है, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये आपका है 2x − 6 = −2, 2x = −2 + 6, 2x = +4, x = +2, ये क्या हुआ, मतलब S का ऑक्सीडेशन नंबर SO3−2 में +2 है, ये वापस चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं, −2 − 6 − 6 उधर +4 और x की वैल्यू +2। एक और देखते हैं HNO3 में N का, तो x यहाँ पर +1, यहाँ −6 = 0, x − 5 = 0, x = +5, और भी गुंजाइश है क्या,
चलो देखते हैं। अब थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए CH4 है, क्या है CH4, तो यहाँ पर x मान लिया, ये प्लस का 4 = 0 है, x = -4 हो गया। तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मान इसका 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, NH4+। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, प्लस का 4 ही हो जाएगा, इक्वल प्लस का 1, x उधर जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 1, x = -3। NH4+ में आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया, CH4 का निकाल लिया है। अब बात करते हैं C2H6 की, तो 2x + 6 = 0, 2x = -6, x = -3। किसी ने इमेजिनेशन नहीं किया हुआ कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। सी उधर जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सीधी सी बात है। एक और करते हैं, CH3OH क्या है, CH3OH, CH3OH में x का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्लस का 4 माइनस का 2 = 0, x + 2 = 0, x = -2 देगा, चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं C2H4O2, ठीक, इतना कर सकते हैं, तो 2x + 4 - 4 = 0, 2x + 0 = 0, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर 0.2 आ गया। ये भी एक चमत्कार है भाई, 2x ये हो गया, 2x और 4 0, तो ठीक है, सही है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और ये कैलकुलेशन बहुत सही तरीके से मैंने की है, कोशिश की है, आपको समझ आ रही होगी कैलकुलेशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट 10 और 12 क्वेश्चन और लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।